नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र हाजिर हूँ आप सबके सामने दिन भर की 10 बड़ी लोकल खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले एक अपील कि वैशाली की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि किसी भी खबर से आप अनजान न रह पाएं। तो शुरू करते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुए वैशाली में प्रखंड प्रमुख के चुनाव। वैशाली प्रखंड कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार हेमंत कुमार निर्विरोध प्रखंड प्रमुख चुने गए हैं। समर्थकों में उत्साह। लालगंज में जिम्मेदार अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का लगा बड़ा आरोप। आरोप है कि लालगंज प्रखंड के लक्ष्मी नारायणपुर माध्यमिक उच्च विद्यालय में रात्रि प्रहरी की बहाली के लिए अध्यक्ष ने मांगी है 1,00,000 रुपए की रिश्वत। हाजीपुर में नौकरी कर रहे पूर्व सैनिकों को रेलवे ने किया निष्कासित। सीमा पर दिन रात खून पसीना बहाकर हमारी हिफाजत कर रहे पूर्व सैनिकों के सम्मान को पहुंची ठेस। आहत सैनिकों ने रेल मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। सहदेई बुजुर्ग हाजीपुर समस्तीपुर NH 322 पर देसरी थाना के गाजीपुर चौक के पास पीपरी स्कूल के निकट पानी और टैंकर के मोटरसाइकिल की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार 30 वर्षीय युवक की मौत, जबकि एक गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए हाजीपुर भेजा गया जहां स्थिति गंभीर। वैशाली जिले के बीचों बीच गुजरने वाली बाया नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी, जिसके कारण नदी से लगे कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। जंदहा प्रखंड के भताही खोपी के पार अब सलहा गांव में भी नदी का पानी सड़कों पर, जिसके कारण सड़क बनी तालाब। सोनपुर प्रखंड के अंतर्गत सबलपुर पश्चिमी बड़ा शिव मंदिर के सामने 19 मजदूरों के साथ पलटी नाव। 14 सवार को SDRF की टीमों ने बचाया, 5 लोगों के डूबने की आशंका। मौके पर पहुंचे कई अधिकारीगण। गुप्त सूचना पर पातेपुर प्रखंड के बलीगांव थाने की पुलिस ने दरगाह बेला गांव निवासी मोहम्मद फारूक के घर पर मारा छापा। घर से 251 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद। धंधेबाज फरार। बरामद की गई शराब की कीमत लगभग 15,50,000 रुपए। नगर परिषद हाजीपुर में महज 1 वोट के अंतर से पूर्व उप पार्षद रमा निषाद के हाथ से निकली जीत। निकेत कुमार सिन्हा उप मुख्य पार्षद के पद पर जीते। महीनों से चले आ रहे दांव पेच का खेल का हुआ समापन। पर्यावरण सुधार में भी देखा गया भ्रष्टाचार। राघोपुर प्रखंड की जीविका लक्ष्मी देवी कैमरे पर दिखी धांधली करती हुई। ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क वितरण करना है पौधा, जबकि मांगा जा रहा है दबंगई के साथ हर एक पौधे के लिए 20 रुपया। सुषमा देवी पति अभय चौधरी को बनाया गया वैशाली प्रखंड राजद के महिला प्रखंड अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं में हर्ष। पति वरिष्ठ राजद कार्यकर्ता और पत्नी बनी प्रखंड अध्यक्ष। दोनों मिलकर विधानसभा चुनाव में राजद के लिए करेंगे स्थिति मजबूत। तो दोस्तों, दिन भर की खबरों से रूबरू कराने का हमारा ये पहल कैसा लगा आपको, ये हमें अपने कमेंट में जरूर बताइए। साथ इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।